हेलो गाइस, नमस्ते। बॉबी की हॉबी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने वाले हैं आलू का शीशल। तो आलू का शीशल बनाने के लिए हमें चाहिए एक आलू, और अब हम इसका छिलका उतारेंगे। चलो 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 चलो, छिलका उतारो, छिलका उतारो। ये मेरी पहली वॉइस वीडियो है, सो होप सो अच्छी हो, प्लीज़ सपोर्ट करना। तो ये हमने ऑलमोस्ट इसका छिलका उतार दिया है। अब हम इसके इसको करेंगे साइड में। अब हम ये आलू लेंगे, आलू बहुत हिल रहा है यार। अब हम इसकी रफली शेपिंग करेंगे। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो शीशल होते हैं वो ऊपर से मोटे और नीचे से पतले होते हैं, तो ये हमने ऑलमोस्ट इसके नीचे से हमने इसे पतला कर दिया और ऊपर से भी थोड़ा सा शेप दे रहे हैं, थोड़ा सा शेप देना है, ज़्यादा नहीं। ये हम नाइफ यूज़ कर रहे हैं, आप ही नाइफ़ यूज़ करना अगर कार्विंग टूल नहीं है तो। और हम इसकी फिनिशिंग करेंगे ये पिलर से, बहुत हल्के हाथों से करना है। देखो, बहुत हल्के हाथों से कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा, जब हम उसकी चिड़िया चहक रही है एंड आई डोंट हैव गुड वॉइस रिकॉर्डर, सो मे बी। तो बस ये देखो, हमने ये शेप दे दिया। शेपिंग 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 ये देखो, ये ऑलमोस्ट शीशल का शेप लग रहा है। शीशल नहीं, बट वो शाकला का बुम बुम की मैजिक पेंसिल जैसी जरूर लग रही है। अब हम इसमें इसकी वो जो नीचे जो स्लांटेड स्लांट सी वो होती है, इसका जिसमें एक्चुअली में जो लिविंग क्रीचर होता है, हम वो बनाएंगे। बट इसमें क्रीचर नहीं बना रहे, सिर्फ वो शेल की शेप दे रहे हैं स्लांटेड सा। हम एक रफली एस बनाएंगे और फिर हम इसे डायगनल रखते हुए इसे काटेंगे। ये देखो, अब हम इसके ऊपर जो वो लाइक वो स्प्रिंग जैसा जो होता है, हम वो बनाएंगे। इसके लिए हमने जो स्टार्ट में जो इसका स्लांट लिया है, हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे। मेक श्योर करना कि हम इसे मैच ना करें, ये हमें एक कंटिन्यूस फॉर्म बनाना है और हमें ऊपर की तरफ जाना है। ये देखो ऐसे, और टिप पे हमें मिला देना है। ये मैंने यहाँ पर टिप पर मिला दिया। अब मे बी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम ऊपर की तरफ बहुत पतला सा हम इसे छीलते हुए, कट करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ से छील रहा हूँ मैं, बहुत धीरे 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 हल्के हाथों से। मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, इसलिए आपको जल्दी लग रही होगी वीडियो, क्योंकि ये थोड़ी लंबी थी। ये हम ये ऊपर जा रहे हैं। मेक श्योर करना कि आपने सही डिस्टेंस रखी हो दो स्प्रिंग के बीच में, ये। और ये हम ऑलमोस्ट इसके टिप पे पहुंच गए। सी, देखो ये ऑलमोस्ट लग रहे हैं ना शीशल जैसा। अब हम सेम करेंगे, बट हमने अभी ऊपर से करा था, अब हम इसे नीचे से करेंगे। तो हम ये टिप से नीचे की तरफ आ रहे हैं स्लाइंट करते हुए, धीरे 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 धीरे। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखो, अभी ऑलमोस्ट हम पहुंच गए और ये हमने इससे मैच कर दिया जहां हमने वो पहले स्लांट बनाया था उससे। ये सी, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल राइट। अब हम इसके नीचे नीचे थोड़ी सी डेप्थ होती है, तो हम उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में इसे कट करेंगे। पहले नीचे से किया, ऊपर से कट करके ये एक्सेस पार्ट निकाल रहे हैं। इसे अब मैं थोड़ा सा शेप दूंगा, थोड़ी सी फिनिशिंग, जो नीचे में जो एक्सेस बच गया उससे। अब हम पीलर लेंगे और इसके मैं ये मुझे एक्चुअली थोड़ा सा सिलिंड्रिकल सा चाहिए, तो मुझे वो राउंड सी एजेस चाहिए। उसके लिए मैं ये पीलर की हेल्प ले रहा हूँ और बहुत हल्के हाथों से किया मैंने, और मैं इसके एजेस को भी ठीक कर रहा हूँ जो मुझे थोड़ी सी अनइवन सी लग रही थी, इवन करने।
आपने इसमें कुछ रिंकल्स ही देखी होंगी जो मोस्टली जो सी शेल्स में होती हैं, रिंकल्स नहीं वो पतली पतली लकीरों सी धारियाँ बोलते शायद आई डोंट नो। तो हम वो बनाएंगे, उसके लिए हमें नाइफ लेनी है और इसमें हम पतले पतले लंबे लंबे लाइंस बनाएंगे। अब आप बोल रहे हो कि बॉबी इसमें तो दिख नहीं रहा, हाँ ये अभी नहीं दिखेगा बट हम इसे जब पानी में सोक करके रखेंगे थोड़ी सी स्वेल अप हो जाएगी, तो जो जो हमने वो स्लांट्स लगाए थे वो बाद में जरूर देखेंगे। ये हमारे स्लांट्स रेडी हो गए, ये हमारा सी शेल भी बन गया। अब सी शेल रखने के लिए हम मैंने पहले से वॉश कर रहा हूँ, सी शेल रखने के लिए हम इसे नॉर्मल नहीं रख सकते क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के कॉन्टैक्ट में आने से, तो हम इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर हम इसे ठंडे पानी के बोल में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी इसे ठंडे पानी के बोल में रख रहा हूँ ये, और इसे थोड़ा सा स्वेल अप होने दीजिए ताकि वो हमारी जो लकीरें हैं वो दिख जाए आपको। तो मैं इसे थोड़ी देर स्वेल अप होने दी और देखिए ये हमारा सी शेल रेडी है। तो लग रहा है ना सी शेल जैसा, कोई बोलेगा कि आपने इसे आलू से बनाया है? कोई नहीं,